वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि यार मैं बहुत बिजी था और अब फ्री हुआ हूँ। और जैसा कि पीछे देख पा रहे हो, ये मेरा न्यू घर है और अभी हम एक राइड जा रहे हैं, राइड पे जा रहे हैं मतलब, तो सारे दोस्त वहीं वेट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वहीं चलते हैं और वहीं जाके राइड स्टार्ट करते हैं और वहीं से आप कुछ ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलो बाइक पे। तो दोस्तों अभी राइड स्टार्ट कर रहे हैं और प्लान किया है कि मथुरा वृंदावन जाने का। तो एक भाई स्टार्ट कर चुके हैं, तो आकाश भाई भी रेडी हो चुके हैं और भाई भी हमारे रेडी हो चुके हैं और एक भाई हमारे आगे निकल चुके हैं। तो राइड स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप खींचते हैं पक्का और यहाँ से फिल अप कराते हैं और निकलते हैं। तो भाई का साउंड सिस्टम देख रहे हो, गजब। सुपर लाउड है ये, सुपर लाउड है, लाउड नहीं सुपर लाउड है भाई। अपना बॉम्बे बैक है तो अभी निकल रहे हैं, पहले फ्यूल अप कराएंगे क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि फ्यूल अप के बिना तो हमारा शेर भूखा ही रहेगा। तो चलो फ्यूल अप कराते हैं। मतलब समझा नहीं, क्या कह रहे हो? एक बार फुल में आ जाती है। फुल में भाई 300 रुपये में आ जाएगी। अच्छा ऐसा। मैं भाई 800 रुपये में इटावा से होके आ गया था, करीबन 120 किलोमीटर जाने 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 का। ये तो यार करीबन 300+ चली जाएगी। सूंघती है तभी तो मैंने ज़्यादा डलवाया नहीं, सूंघती है तो भाई 390 है इसका, मतलब हाफ समझ लो, हाफ है ये इसका, उसके अकॉर्डिंग भी तो देखो। आओ जरा टायर प्रेशर चेक करा लूँ। तो फिल अप हो चुका है और आकाश भाई भी फिल अप करा चुके हैं और सब लोग फिल अप करा के अब बाइक को हाईवे पे लेके जाएंगे। तो अब आपसे डायरेक्टली हाईवे पे कनेक्ट होते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, आपसे हाईवे पे मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फ्यूल अप कराते ही भाई पता नहीं क्या हुआ, सब लोगों को इतनी एनर्जी आ गई, मतलब इतना बाइक में एनर्जी नहीं आई, इतना लोगों में एग्रेशन आ गया है, मतलब देख रहे हो सुपर। मेरी बाइक का तो कांटा हिल गया यार। सब लोगों को जाने दो, थोड़ा हाथ को सेक जाने दो भाई, ठंड लग रही है। भाई शुरुआत में इतना एग्रेशन आ गया कि अब तो ऐसा लग रहा है खत्म कर। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, उंगलियों में हिल रही हैं मेरे तो यार। सेफ्टी गार्ड है, वॉर्म गार्ड नहीं है। तो ये भी आता है ना ऐसे वाले हैंडल ग्रिप जो इलेक्ट्रिक हीट देते हैं। हाँ, तो यार वो इंटरनली देंगे, एक्सटर्नली फिर भी फील होगा। देर क्या मिली तो भाई, अभी हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी देर साइड में रोक के ना हाथों को गर्म कर लिया, हम लोगों के ठंडे पड़ गए, इनका तो पता नहीं मेरे बहुत ठंडे पड़ गए। तो बाकी सब लोग यहाँ ब्रेक ले रहे हैं या शायद हमारे लिए वेट कर रहे हैं। आकाश भाई ठंडी लगी क्या? नहीं आप एक मेरी निकाल दो, थोड़ा सा
हाथ से किधर पीछे, फिर हाथ से थोड़ी देर ब्रेक लिया गया कि भाई खड़े होते हैं थोड़ा फोटो वोटो निकालते हैं, और फोटो निकालते निकालते एक घंटा लग गया। और ये सारी फोटोज आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पे, तो मेरे और मेरे फ्रेंड सर्कल्स के सारे लोगों के इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट करना, ठीक है। बाकी मुझे फिर से इनके पीछे ही रहना पड़ेगा क्योंकि भाई लोग 390 400, और वो तो VS6 है तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड ऑफ टॉर्क ज़्यादा होगा। और भाई बोल रहे रैप मारो, देख रहे हो पूरी कस्टम बाइक है, अगर हो सका तो इसके ऊपर भी व्लॉग बनाऊंगा मैं। मतलब भाई साहब इसमें कम से कम 1.5 लाख का माल ही माल लगा हुआ है, सोच सकते हो। एसी प्रोजेक्ट कॉपी नहीं है। और हर राइड पे कुछ ना कुछ स्यापा होता है, आरपीएम मीटर स्यापा कर गया फिर से। और प्लीज गाइस अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो, अगर वो कमेंट करके बताया करो। तो गाइस अभी हम 70% रोड कवर कर चुके हैं और आकाश भाई ने हाथ भी दे दिया, मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग की व्लॉगिंग और आकाश भाई ने हाथ दे दिया। क्या हो गया हैंक? आप डायरेक्टली कैमरे पे बोलिए आपका हैंग हो गया। यार ये आता हूँ क्या हो रहा है, ठंड में बंद हो रही है बंद है भाई, आराम से चल रहा है तुम लोग। तो गाइस हाथों में ठंड इतनी बैठ चुकी है कि अब सब लोग ठंडे पड़ चुके हैं, अब लोग चलाएंगे हम 50-60 पे, इससे ज़्यादा चलाने की हिम्मत है ही नहीं। Look at this guys. इसका आपको फ्रंट से लुक दिखाऊंगा, मतलब साइड से रोक दूंगा फ्रंट से एकदम तरीके से लुक दिखाऊंगा, यही है साइड इसका फ्रंट लुक। मेरा देख रहे हो क्या गजब लुक दे रहा है, सेवा करे, मतलब गाय की रक्षा करे और गाय की सेवा करे, बहुत अच्छा लिखा है। मेरे को बार बार एग्रेशन लिखा देते हैं। ये भाई साहब आपको प्रेम मंदिर है जो कि आपको बहुत फेमस मंदिर है, आपने सुना भी होगा प्रेम मंदिर। देखते हैं टाइम मिला तो आएंगे। भाई लोगों अभी हम सर्द गलियों में चल रहे हैं। आकाश भाई कैसा लगा आज? बढ़िया भाई, सर्दी लग रही है पूरा कैप वैप लगा रखा है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पूरी खाने। पूरी खाने मतलब यहाँ की फेमस पूरी है उस पर जा रहे हैं। बाकी भाई मार्केट में देख रहे हो रश कितना है, मतलब संडे की वजह से भी शायद हो सकता है। तो चलो पहले पूरियों के पास चलते हैं, उन्हें टेस्ट करेंगे उसके बाद निकलते हैं बाहर।
यहाँ के फेमस पूरी आलू है भाई, क्या नाम है इनका बताओ तो, बताओ बस खाए जाओ, बस खाए जाओ, तो पहले टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। हाँ भाई सब्जी मसाला थोड़ा ज़्यादा है, सब्जी मसाला थोड़ा ज़्यादा है, फिलहाल गर्म है वही काफ़ी है। गर्मी सबसे अच्छी है, भड़क के बोलते सर्दी में। आकाश भाई आप क्या बोलते हो भाई, मज़ा आ गया सबसे बढ़िया चीज़ के जो सर्दी थी ये एरिया और ये एरिया भाई साहब, इंजनों ने भी इंजन। तो भाई लोगों हम कोई मंदिर वंदिर एक्सप्लोर करने नहीं आए थे, वी आर कमिंग फ्रॉम छोटी सी राइड के लिए आए थे, तो थोड़ा बहुत आए बात बैठे नाश्ता किया और एक दो फोटोशूट किया और उसके बाद बैक टू पवेलियन, मतलब घर यार। और यहाँ सिटी में से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रशी एरिया है, इतना रश है कि मतलब समझ रहे हो, यहाँ से निकलेंगे पहले फिर हाईवे पे कनेक्ट होने के बाद तब मज़ा आएगा, तो पहले तो इस सिटी से बाहर निकलते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है और नीचे तो फॉलो ज़रूर कर लेना। बाकी कैसी लगी राइड, कितना मज़ा आया, फन कैसा लगा लाइक करना। ये कोई ट्रैवल नहीं था, कुछ नहीं था, इस बार बिल्कुल राइड थी सिंपल, सोचा था कि थोड़ा राइड करके आते हैं, लाइक कहते हैं ना संडे राइड, बिल्कुल वही था। बट भाई इस बार जो मज़ा आया था सॉलिड वाला आया था, एक फॉल्ट हुआ था, वो फॉल्ट ये था कि आरपीएम मीटर ऊपर ही चला गया, कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा, बट गाइस मज़ा आ गया एकदम कर्रा वाला। अभी लोग हम लोग आ चुके हैं एंड ऑफ पॉइंट पे, अब यहाँ से सब लोग डिवाइड होंगे, तो ब्लॉग का एंड भी करना था, तो सोचा कि एक जगह पर्टिकुलर रुक के और ब्लॉग का एंड करें। तो मेरा तो रिव्यू अच्छा था भाई, पर्सनली बहुत मज़ा आया, और इस बार सबसे ज़्यादा मज़ा इस बार इसी राइड में आया है। बाकी मैं अपने सर्कल में आकाश भाई से और हर्ष भाई से और प्रथम भाई से भी पूछूंगा, सिद्धार्थ भाई से सॉरी उनसे भी पूछूंगा कि कैसा लगा। हाँ भाई लोगों बताओ कैसा लगा, बहुत मज़ा आ गया बहुत, कैसे आ रहा है रिव्यू कैसा रहा, एक नंबर एक नंबर, अभी भी तैयारी चल रही है और नेक्स्ट राइड की प्लानिंग चल रही है अभी भी, और वो भी शायद दो या तीन दिन में फाइनल हो जाएगी, हो जाएगी भाई। बट पर्टिकुलर बताऊँ सबसे बेस्ट राइड अब तक की कौन सी थी भाई, यही वाली मैंने भी अभी इतनी सारी राइड्स करी है, ये वाली बहुत अच्छी थी, आप खुद ब्लॉग देखेंगे खुद समझ में आएगा आप लोगों को राइड कैसी थी। और सिद्धार्थ भाई आप क्या बोलोगे भाई, अब तक की बेस्ट राइड ये थी, विवेक भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर ये वीडियो नहीं देखा तो भाई तुमने कुछ नहीं देखा, छोड़ दो, और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आना, नए हैं उनके लिए भी ये है कि भाई कंटेंट बना रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, अच्छे से अच्छा देंगे आपको, बाकी सब्सक्राइब करके रखना चैनल। और आकाश भाई एक चीज़ और लेके आए हैं, जैकेट बताना फिटिंग कैसी है, मेरे को तो परफेक्ट लग रही है, डू कमेंट एंड बताइए कि ये कैसी लग रही है, बताओ मैं ले लूँ, बता दो देख के भाई, बिल्कुल भाई यही रहेगी, ये देखिए एंड एक्स्ट्रा स्लाइडर्स, और एक कमेंट और करके जाना कि आकाश भाई इसका ब्लॉग बनाए, बिल्कुल भाई बनाएंगे, क्योंकि देखिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू बना सकता था, पर एक बार यूज़ करा मैंने प्रोडक्ट को उसके बाद ही इसका पूरा अच्छे से हम ब्लॉग बनाएंगे। पर मेरे को फिटिंग बहुत अच्छी लगी और बाइक पे लुक बड़ा अजीब आता है, वो आप देख चुके होंगे ब्लॉग्स में। बाकी हम एक बार हर्ष भाई से ही पूछें, हर्ष भाई बहुत मज़ा आ गया, आशा करते वापस आएंगे सारे ब्लॉग्स में और राइड करते रहेंगे, कुछ नए मॉड्स लेके आएंगे सबकी गाड़ियों पर, मेरी गाड़ी पर भी एक वीडियो बना, बहुत तगड़ा वो लगाया हुआ है भाई, देखो पूरा सेटअप देखो, पर इसका अभी इतना ही देखो, वो बाकी ब्लॉग में देखेंगे, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, यहाँ खत्म करते वीडियो, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट आइटम मिलते हैं भाई से।
तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।